गूगल, आप देख रहे हैं हिमानी ट्रेंडिंग। तो आज फ्रेंड मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको बड़ी ही अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी ट्रिक्स है व्हाट्सएप के बारे में। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी और शेयर तो मस्त कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा भी न्यू चैनल है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो का मकसद बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपके जो व्हाट्सएप के स्टेटस हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट स्टेटस लगाते हैं, उसको आप अपनी गैलरी में किस तरह से सेव कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको जो भी कोई कॉन्टैक्ट स्टेटस लगाया आपको अच्छा लगे, आप उनसे मांगते हैं सेंड मी ये वो, तो आपको इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो जस्ट आपने अपने मोबाइल के फाइल में जाना है, आपको किसी भी एप्लीकेशन किसी सॉफ्टवेयर की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इंटरनल स्टोरेज में जाना है, वहाँ से आपने व्हाट्सएप को क्लिक कर देना है, व्हाट्सएप ढूँढ कर। तो मैंने व्हाट्सएप खोला है, वहाँ पे आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाके आपने एक काम करना है, ये मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मेन्यू में जाके आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके आपने शो हिडन फाइल कर देना है। तो फ्रेंड देखें यहाँ पर कुछ स्टेटस का लफ्ज़ आ गया। तो ये आप जैसे ही स्टेटस खोलेंगे तो ये सब के जितने भी स्टेटस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपकी गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। तो आप इनको आसानी से देख सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस जरिए से आपको किसी से भी उसका व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा बल्कि मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है तो ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।